हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज कैसे सब लोग, और अभी देखो यहाँ पे सीएन, यहाँ पे C6S17 यहाँ पे को चालू होने वाला है 30 तारीख से। और जैसे रैंक पुश वगैरह की वीडियोस वगैरह तो काफ़ी और आती रहेंगी, लेकिन अभी देखो जरूर था कि यहाँ पे सब लोग को यहाँ पे ये गाइड किया जाए। अगर आप लोग यहाँ पे रैंक पुश करने की सोच रहे, तो किस में आप लोग को यहाँ पे कौन कर रैंक पुश करना चाहिए, सोलो में, डुओ में या स्क्वाड में। तो आज की वीडियो में अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सोलो में करना है, डुओ में करना है, स्क्वाड में करना है। तो गाइज देखो, अगर आप लोग यहाँ पे कौन करने की सोच रहे हो ना, पहले तो एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना है कि आप लोगों ने यहाँ पे अगर रैंक पुश स्टार्ट करनी है ना, तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे कॉन्कर होना चाहिए, और स्टार्टिंग यहाँ से भी करो कॉन्कर, यहाँ पे भी कैसे करना ही करना है। तो ये अगर आपका माइंडसेट रहे पहले से यहाँ पे सेट रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे कॉन्कर करने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है। और हाँ गाइस, एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे रैंक पुश कर रहे हो ना, चाहे सोलो में कर रहे हो, डुओ में कर रहे हो या फिर स्क्वाड में कर रहे हो, तो ऐसा तो देखो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसे एक भी गेम यहाँ पे माइनस नहीं लगता है। क्योंकि अगर देखो रैंक पुश अगर आप कर रहे हो ना, एक में एक गेम में यहाँ पे कोई हैकर आएगा या कोई अच्छा प्लेयर आके यहाँ पे आपको मार सकता है, तो माइनस तो यहाँ पे लगता है। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको माइनस नहीं लगता। तो एक बार ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, अगर माइनस लगना है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर ये आप लोग के दिमाग में अगर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का कौन कौन होना डन है। अभी बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि अपना रहने वाला है कि आप लोगों ने यहाँ पे सोलो में, डुओ में या फिर स्क्वाड में कौन से मोड में यहाँ पे रैंक पुश करनी है। भले ही आप किसी भी मोड में यहाँ पे रैंक पुश कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तीनों मोड के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो अभी बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, पहले यहाँ पे बढ़ते हैं स्क्वाड की तरफ में। तो अगर आप लोग यहाँ पे C6S17 में यहाँ पे स्क्वाड में यहाँ पे कौन से रैंक पुश करने की सोच रहे हो ना, तो ये देखो सीन कहता है स्क्वाड में कि आप लोग यहाँ पे आपके पास आपके साथ साथ यहाँ पे तीन बंदे और रहते हैं, जो कि यहाँ आपके साथ आपके हिसाब से यहाँ पे खेलते हैं, और आप लोग को यहाँ पे कवर देते हुए साथ में आपको रिवाइवल करते हुए चलते हैं। जिस वजह से यार सीन कहता है, अगर आप लोग कभी नॉक होते हैं तो यहाँ पे आपका टीम मेट आपको कवर देते हैं और साथ ही साथ रिवाइवल करते हैं। तो कैसे एडवांटेज की बात होगी, आप करते हैं डिसएडवांटेज की बात। तो स्क्वाड में कॉन्कर करते टाइम गाइस क्या होता है ना, चार बंदे यहाँ पे जो रहते हैं ना आप लोग, तो चारों को यहाँ पे सेम टाइम पे ऑनलाइन रहना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ देखो आप लोग यहाँ पे साथ में ही यहाँ पे खेलोगे, और आप लोग जो लोग चार लोग यहाँ पे साथ में रैंक पुश कर रहे हो ना, तो चारों को यहाँ पे साथ में ऑनलाइन रहने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि चारों को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे एकाग्र होकर यहाँ पे रैंक पुश करना। क्योंकि अगर आप लोग चारों साथ में अगर रैंक पुश कर रहे हो, तो ये यहाँ पे करना है कि चारों का यहाँ पे कॉन्कर हो, ये नहीं कि यार एक बंदे का कॉन्कर हो तो बाकी यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे साइड हो जाए कि यार मेरा तो कॉन्कर हो गया, अब मैं यहाँ पे खेल के क्या करूंगा। और कभी कभी क्या रहता है ना, चार में से एक बंदा यहाँ पे ऐसा रहता है कि किसी का यहाँ पे माइनस लगता जाता है, तो यार वो बंदा यहाँ पे डिमोटिवेट होकर यहाँ पे रैंक पुश छोड़ने की बात करता है। और कोई बंदा यहाँ पे चार में से यहाँ पे रैंक पुश छोड़ता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे रैंक पुश करने वाले बंदे यहाँ पे रेयरली किसी को मिल पाते हैं। तो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे चार साथ रैंक पुश कर रहे हैं, तो चारों को यहाँ पे साथ में कोऑर्डिनेशन बैठा के साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे रैंक पुश करनी होगी। तो अभी यहाँ पे स्क्वाड में एक और रहती है, जैसे आप लोग रैंक पुश कर रहे हैं ना स्क्वाड में, और कभी यहाँ पे आप लोग कहीं पे फिनिश हुए या कहीं पे आपकी फाइट हुई, या एक बंदा आपको कवर नहीं दे पाया, या कभी कहीं कोई प्लेयर आपको कहीं दूर था, जिस वजह से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कहीं फिनिश होते हैं, तो यहाँ आप लोग यहाँ पे आपस में ब्लेम गेम यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिस वजह से आप लोग यहाँ पे एक टीम में यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और आप लोगों में लड़ाइयाँ होती है, टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से देखो सीन क्या रहता है ना, स्क्वाड में काफी ज्यादा यहाँ पे टफ पड़ता है रैंक पुश करना। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्क्वाड में रैंक पुश करने की सोच रहे ना, तो ये चीज देख लो कि आप लोगों ने यहाँ पे इतने पॉइंट जो मैंने बताया ना, इन यहाँ पे पॉइंट के यहाँ पे अवॉइड करते हुए यहाँ पे रैंक पुश करनी है। अगर ये आप लोग इजिली अवॉइड करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों का कॉन्कर होना डन है। और हाँ, स्क्वाड में एक चीज और, यहाँ पे स्क्वाड में बहुत जल्दी यहाँ पे पॉइंट बढ़ते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना कि एक दिन में खेल के कॉन्कर लगा लोगे। अभी हमें बात तो होगी स्क्वाड की, अब यहाँ पे बात करते हैं डुओ की। और यहाँ पे डुओ की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डुओ का यहाँ पे नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि हैकर। क्योंकि यहाँ पे सीन क्या रहता है ना, यहाँ पे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक पुश पेड वगैरह करवाते हैं, जिस वजह से डुओ में क्या रहता है ना, एक बंदा लेजिट और एक बंदा यहाँ पे हैकर काफी ज्यादा यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे मैक्सिमम आप मान के चलो कि 50% लॉबी में आपको हैकर यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन डुओ में भी सेम एडवांटेज है कि आप लोग के पास साथ में एक टीममेट रहता है खेलने के लिए, बातें करने के लिए, और साथ में यहाँ पे आप लोग अभी नॉक होते हैं तो साथ में आपको कवर देने के लिए एक बंदा रहता है, जिस वजह से आप लोग यहाँ पे इजिली यहाँ पे रैंक पुश वगैरह कर सकते हैं। और डुओ में इतने ज्यादा पॉइंट भी नहीं बढ़ते हैं जितने आप स्क्वाड में बढ़ते हैं। और यहाँ डुओ में यहाँ पे रैंक पुश करते हुए आप में से आप या आपका पार्टनर कोई यहाँ पे नॉक होता है ना, सामने वाली टीम आप पे पुश करती है ना, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इजीली 1v2 यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस मामले में अगर यहाँ पे स्क्वाड से कंपेयर किया जाए डुओ को, तो यहाँ पे डुओ में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्लच करके यहाँ पे निकाल जाओगे गेम आगे को। और डुओ में एक और रहते हैं कि यहाँ पे आप लोग कभी भी यहाँ पे सीजन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी खेलोगे ना, लॉबी यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलती है, और लॉबी में प्लस यहाँ पे हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ स्क्वाड में अगर आप लोग स्टार्टिंग में कॉन्कर नहीं भी कर पाते ना, तो आप लोग यहाँ पे जब तक का भी यहाँ पे रैंक पुश करोगे, तो यहाँ पे गारंटी है कि आप लोग को यहाँ पे अच्छी लॉबी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो वीडियो में कुछ ज्ञानी बाबा
लोग आएंगे जो यहाँ पे कहेंगे कि यार मेरे को यहाँ पे कॉन्कर करना सिखा तो रहा है क्या, तूने कभी खुद भी यहाँ पे कॉन्कर किया है? तो उन लोग के रिस्पांस में यहाँ पे पहले आप लोग को दिखाता हूँ। मेरी आईडी में यहाँ पे अभी तक का टोटल मैंने 16 टाइम था यहाँ पे कॉन्कर किया हुआ है, और साथ ही अगर पेड रैंक पुश को मिलाया जाए तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 100 से ऊपर यहाँ पे आईडी में अभी तक कॉन्कर लगा चुका हूँ। और यहाँ पे देखो 16 टाइम कॉन्कर तो किया है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे मेरा ECN भी यहाँ पे आईडी यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड में यहाँ पे टॉप 60 की यहाँ पे रैंकिंग में देखने को मिल जाएगी। और जितने भी टाइम मैंने कॉन्कर किया ना यहाँ पे टॉप 100 में ही हमेशा मैं यहाँ पे लीडर बोर्ड ECN भी रहा होल्ड किया है। यहाँ पे इसका मतलब ये कि आप लोग को मैं यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे कॉन्कर करने का यहाँ पे दे सकता हूँ। और यार आप लोगों में से अगर किसी भी बंदे को अगर नेक्स्ट सीजन यहाँ पे रैंक पुश करवानी है ना तो यहाँ पे जरूर से यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे DM कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आप लोग को मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी बढ़ते हैं यहाँ पे सोलो मोड में रैंक पुश की तरफ में। तो गाइस देखो सोलो मोड में रैंक पुश करना सबसे आसान रहता है क्योंकि यहाँ पे सामने आप लोगों ने एक ही बंदे से यहाँ पे फाइट लेनी है, 1v1 का सिचुएशन रहता है। और सोलो मोड एक ऐसा मोड है जिसमें पॉइंट्स यहाँ पे सीजन के एंड तक का काफी कम बढ़ते हैं और सबसे कम पॉइंट यहाँ पे सोलो में ही आपको लगाने होते हैं कॉन्कर पे जाने के लिए। तो ये तो रहे एडवांटेज, लेकिन यहाँ पे कुछ एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे रहने वाले हैं सोलो पे रैंक पुश के, जिसकी बात मैं अभी आगे वाली वीडियो में करूंगा। तो पहली बात है सोलो में यहाँ पे आप लोग को 1v1 तो रहता है सिचुएशन, लेकिन ये रहता है कि सामने जो बंदा रहता है ना कभी आपसे यहाँ पे सीधे तरीके से 1v1 नहीं लेगा, सीधे तरीके से यहाँ पे काफी कम आपको फाइट देखने को मिलेंगी। अगर आप सपोज किसी घर में यहाँ पे बैठ पुश मारने जा रहे हो ना तो अंदर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ऐसा सरप्राइज अटैक मिलेगा जिससे आप यहाँ पे शॉक यहाँ पे हो जाओगे, कभी कभी तो यहाँ पे हार्ट अटैक वाली सिचुएशन भी हो जाती है। सोलो में यहाँ पे पॉइंट्स तो काफी कम जाते हैं, लेकिन साथ ही क्या रहता है ना जो कि अच्छे बंदे यहाँ पे रैंक पुश करते हैं ना सोलो में वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कॉन्कर लगा लेते हैं, जिससे यहाँ पे एंड तक जो बंदे बचते हैं ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा लो यहाँ पे टीयर पे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कम यहाँ पे प्लस आपको लॉबी में देखने को मिलता है। तो आप अगर सोलो में यहाँ पे रैंक पुश करने की सोच रहे हो ना तो स्टार्टिंग में ही ट्राई करो कि एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पे कॉन्कर लगा लो, क्योंकि एक महीने के बाद यहाँ पे सोलो में यहाँ पे प्लस कम मिलना चालू होता है। लेकिन यहाँ पे सोलो में इजी सबसे ज्यादा कॉन्कर इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ एक बंदे से आप लोगों ने फाइट लेनी है और एक बंदे से फाइट लेके यहाँ पे एंड तक सर्वाइव करना काफी ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे सोलो को प्रेफर करते हैं, और अपन भी यहाँ पे अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश करने की सोच रहे हो तो हम भी यहाँ पे हर सीन यहाँ पे सोलो में रैंक पुश करते हैं, और अपनी जो यहाँ पे रैंक पुश रहती है ना पूरी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में रहती है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे सोलो की रैंक पुश के लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लग रही है, थोड़ी सी पसंद आ रही है, तो वीडियो को यहाँ पे जरूर से यहाँ पे लाइक भी कर देना। तो यार 7 मिनट की वीडियो की इसमें हमने बात करी सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, अभी बात करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे किस में यहाँ पे रैंक पुश करनी है, क्योंकि यार देखो बात तो होती रहेगी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी में रहते ही रहते हैं। तो यार देखो अभी आप मेरे से अगर पर्सनली पूछोगे ना किस में यहाँ पे रैंक पुश करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर प्रॉपर अच्छी खासी स्क्वाड है ना जो कि हर गेम में आप अच्छे खासे किल मार सकते हो तो आप लोग यहाँ पे स्क्वाड की तरफ जा सकते हो। और अगर आप लोग के पास यहाँ पे टीममेट नहीं है ना तो आप लोग यहाँ पे सोलो में ही रैंक पुश करना प्रेफर करो, क्योंकि स्क्वाड ढूंढ के या डुओ ढूंढ के पार्टनर अगर आप लोग यहाँ पे रैंक पुश करोगे ना तो यहाँ पे गारंटी नहीं कि वो बंदे आपको कॉन्कर लगा के देंगे ही देंगे। तो यार आप लोग यहाँ पे सोलो पे रैंक पुश करो और बिंदास यहाँ पे रैंक पुश करो, क्योंकि सोलो में रैंक पुश करने के लिए आप लोग के पास यहाँ पे मोबाइल चाहिए और आप लोग का मूड यहाँ पे खेलने का होना चाहिए, मोबाइल उठाओ और खेलने यहाँ पे बैठ जाओ रैंक पुश करने के लिए। तो यहाँ पे जिन लोग के पास यहाँ पे टीममेट नहीं है तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग यहाँ पे सोलो में रैंक पुश करो और यहाँ पे ट्राई करो कि स्टार्टिंग के 5 या 6 दिन में ही कॉन्कर लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 5-6 दिन में यहाँ पे इस एज पे ही सोलो पे यहाँ पे कॉन्कर रहता है। अभी यहाँ पे सोलो में यहाँ पे लोगों को इशू रहते हैं कि यार अगर आप लोग यहाँ पे सोलो खेल रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे जाके रैंक पुश करनी चाहिए, तो यार उसकी वीडियो अपने चैनल पे यहाँ पे जल्दी आ जाएगी। होप कि आप लोग जब तक वीडियो देख रहा था तो यहाँ पे चैनल पे वीडियो आ गई है, तो यहाँ पे अगर वीडियो अगर नहीं देखी ना उस वीडियो को भी जरूर से देखना, उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी कि आप लोगों को कहाँ पे यहाँ पे जंप करना है फाइट लेने के लिए, कहाँ पे आपको लूट करनी है, कैसे आप लोगों ने खेलना है, तो इन सब की वीडियो अपने चैनल पे यहाँ पे आ जाएंगी, तो उन वीडियोस के लिए यहाँ पे स्टे ट्यून रहना। तो गाइस चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अगर लगी तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।